हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी पिक्स। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आरती से लड़ने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज के सेम रिएक्शन आए। यहाँ पे क्या होता है, सिद्धार्थ की आरती से लड़ाई हो जाती है। तो जब आरती वहाँ से चली जाती है और सिद्धार्थ बाहर जा रहे होते हैं, तो आप देख रहे हैं पीछे शहनाज को वो इस तरह से हाथ करके खुश हो रही होती है। एक्चुअली उन्हें पता होता है कि आरती का बिहेवियर कैसा है। अब ये देखिए, जब ये शहनाज की हुई थी लड़ाई आरती के साथ, तो आरती ज़बरदस्ती उनसे लड़ रही थी। ये सिद्धार्थ को पता था। देखिए, पारस भी हंस रहे हैं और तो सिद्धार्थ का रिएक्शन ऐसा था कि उन्हें हंसी आ रही थी। आप देख रहे हैं वो इस तरह से हाथ रख कर ना यहाँ हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे शहनाज गलत नहीं है, शहनाज सही है। आरती ज़बरदस्ती मुद्दा बना रही है किसी बात का। आप देखिए इस वाली पिक में सिद्धार्थ को, वो हंस रहे हैं पीछे देख के। तो ये बहुत फनी था कि जब दोनों की लड़ाई हुई तो वो दूसरे हंस रहे थे। अब देखिए, ये तब का है जब सिद्धार्थ और शहनाज फर्स्ट टाइम जेल में गए थे। जेल में जाने के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो यहाँ क्या होता है, सिद्धार्थ डे ना शहनाज के मच्छर मारने के लिए दवाई लगाने आते हैं हाथ वगैरह पर, वो खुद लगा रहे होते। तो सिद्धार्थ का रिएक्शन देखिए, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सिद्धार्थ को यहीं से शहनाज से होने लगा था। थोड़े वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि शहनाज सिद्धार्थ डे से इस तरह से लगवा रही हैं या वो उन्हें ऐसे क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जेल में सिद्धार्थ ने समझाया था शहनाज को कि पारस किस तरह से उनका यूज़ कर रहा है सिर्फ गेम के लिए, तो वो उसकी बातों में ना आए। उन्हें काफ़ी समझाया था, जेल टास्क से पहले भी समझाया था। थैंक यू गाइस।